आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। मैं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। और प्रांत ऑफिस में जनता दल की जानिब से धरना आंदोलन किया जा रहा है, आइए जानते हैं उनके मुतालबात। आज हम लोग आए हुए हैं प्रांत ऑफिस के ऊपर। यहाँ पर एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस चल रही है। यहाँ पर मालेगांव शहर जनता दल के
जनरल सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्नेटी की क्यादत के अंदर एक वफद यहाँ पर प्रांत साहब के यहाँ पर आया हुआ है। इनकी क्या डिमांडे हैं, क्या मांगने हैं और आज जिस तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है उसका असल मकसद ये है कि 16 तारीख को ही यहाँ पर मालेगांव शहर के जनता दल के सदर साती बुलंद इकबाल साहब का इंतकाल हुआ था और आज उन्हीं की बरसी है। उन्हीं की बरसी को मनाते हुए एक एहतजाजी तरीके से एक एहतजाज दर्ज करने के लिए आज जनता दल पार्टी के जिम्मेदारान और वर्कर यहाँ पर आए हुए हैं मालेगांव शहर के अंदर। जो कर्फ्यू चल रहा है शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, इस ताल्लुक से प्रांत ऑफिसर से मुलाकात करने और अपना निवेदन मेमोरेंडम और अपना एहतजाज दर्ज करवाने और साथ ही साथ साथी बुलंद इकबाल साहब का आज जो बरसी का दिन है वो मनाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या क्या डिमांड है, क्या क्या मांगे हैं वो यहाँ पर। उनकी डिमांड है कि जब तक प्रांत अधिकारी साहब यहाँ नहीं आ जाते वो यहाँ से नहीं उठेंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी पुलिस का पहरा और बंदोबस्त हो चुका है। यहाँ पर मालेगांव शहर के DYSP रत्नाकर नौले साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या प्रांत साहब यहाँ आते हैं, क्या उनकी बात को सुनते हैं या उनकी बातों का समाधान निकालते हैं या उनके ऊपर कोई और कार्रवाई होती है। जानेंगे हम, देखेंगे हम, जुड़े रहे हमारे। मुस्तकीम भाई, आज आप लोग यहाँ पर आए हुए थे तो क्या आश्वासन दिया गया आपने? हम प्रांत साहब ने हमको 9 सितंबर को ये कहा था कि 15 सितंबर तक हम 144 हटाने के ताल्लुक से पॉजिटिव फैसला करेंगे, तो हमने उनसे कहा था हम 16 सितंबर को आएंगे, मगर उनकी 15 सितंबर को जो मीटिंग थी कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर से वो आज है ऐसा यहाँ बोला गया। उसकी वजह से प्रांत साहब और तहसीलदार सब बाहर थे, नायब तहसीलदार यहाँ पर थे, मगर हमने उनको हर वक्त यही बात कही कि कोई पॉजिटिव बात होंगी तो ही हम उठेंगे, नहीं तो अगर सुबह भी प्रांत साहब आएंगे तो हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। मगर डिप्टी नौले साहब ने उनसे बातचीत करने के बाद ये कहा कि यार पीर से पहले हमने 2-3 मरतबा प्रांत साहब से मीटिंग की, 7 से 7 का कर्फ्यू हटाने के लिए 2-3 मरतबा पुलिस डिपार्टमेंट ने भी हमारे साथ इस सवाल पे मीटिंग की, और अभी उन्होंने ये कहा कि यार पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी और प्रांत साहब हम बैठ के और आपकी पार्टी की तरफ से 4 लोग बैठ के पीर से पहले हम उस पर एक मरतबा बातचीत करेंगे, तो ये आश्वासन पे हम डिप्टी नौले साहब के हमारा आज का धरना ख़त्म किए। अब पीर से पहले प्रांत और पुलिस आला अधिकारी की जॉइंट मीटिंग में अगर इस पर कोई पॉजिटिव बातचीत होती है तो ठीक है, नहीं तो पीर के दिन हम आगे के आंदोलन का ऐलान करेंगे।